आहा, बहुत है, बहुत काके। चल दूसरा कुछ तो लगा उसकी अरे दूसरा how's that पे बनाओ यूवी से बेटर टीम टीम क्या कर कर रहा रहा है तेरी चेक तो जीतो पांच गुना रेवॉर्ड <laughs> तो बेटा और मॉर्निंग uh, अपडेट में आपको सारी बड़ी खबरें बताऊंगा खेल से जुड़ी कल आपने देखा कि कोलकाता वर्सेस बेंगलोर के बीच जो मुकाबला नहीं हुआ कल का सारा दिन एक तरीके से खराब ही रहा सुबह खबरें आई कि कोलकाता के खेमे में कोविड केसेस आए हैं फिर दो खिलाड़ियों का नाम पता चला उसके बाद चेन्नई को लेकर खबरें आई और शाम होते होते लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि कहीं आई रद्द तो नहीं हो जाएगा इस साल लेकिन उसके बाद आपने स्पोर्ट्स तक पे एक लाइव देखा खबर देखी कि नहीं आईपीएल के होने के चांसेस हैं और आज आईपीएल का मैचेस जो मैच है वो होगा और उसके बाद जो भी अपडेट है वो आपको पता चल जाएगी हालांकि आईपीएल चलेगा जिसके पूरे पूरे चांसेस है और इसको लेकर सारी खबरें आ रही है वो मैं आपको मॉर्निंग अपडेट में बताऊंगा उससे पहले मैं आपको एक अच्छी खबर बता देता हूं इन कोविड केसेस के बीच में और वो अच्छी खबर ये है कि के राहुल जो सर्जरी के लिए बाहर हो गए थे अपेंडिक्स की दिक्कत हुई थी और वो मैच नहीं खेल पाए थे दिल्ली कैपिटल्स के ख़िलाफ़ और उनको मुंबई लेकर आया गया अहमदाबाद में थे और मुंबई में आकर उनकी बीते रात सर्जरी हुई और सर्जरी सफल रही तो ये एक राहत की खबर है कि आ, सर्जरी सफल रही और अच्छे से सब कुछ हो गया वो अहमदाबाद से मुंबई आए और डॉक्टर ने उनको लेकर ये कहा है कि एक हफ्ते तक उनको आराम चाहिए और उसके बाद जो अपनी वो सारी गतिविधियां हैं जो भी वो कुछ करते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं हालांकि वैसे तो ये किंग्स इलेवन किंग्स पंजाब के जो फैंस हैं उनके लिए अच्छी खबर है और टीम मैनेजमेंट के लिए भी अच्छी खबर है हालांकि अभी वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे आगे का आईपीएल जो बचा हुआ है उसके बारे में आपको अपडेट मिलेगा क्योंकि जो फ्रेंचाइजी है वो बीसीसीआई से बात करेगी जो नियम है क्वारंटीन के या फिर जो बाकी प्रोटोकॉल्स हैं उसके तहत फैसला लिया जाएगा लेकिन ये सही खबर है कि उनका सर्जरी है जो वो सक्सेसफुल हुई और एक हफ्ते के अंदर वो ठीक हो जाएंगे और उसके बाद उनके खेलने के ऊपर फैसला लिया जाएगा तो ये केएल राहुल को लेकर एक खबर थी और उसके बाद आपको मैं पैट कमिंस से जुड़ी एक ख़बर बताता हूँ कि पैट कमिंस ने कुछ समय पहले कोविड के संकट में दान करने का फ़ैसला किया था उन्होंने पचास हज़ार यूएस डॉलर दान करने का फ़ैसला किया था जो वो पीएम केयर्स फंड में देने वाले थे हालांकि अब खबर आई है कि जो ऑस्ट्रेलिया यूनिसेफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत संकट की अपील है भारत कोविड संकट की उसमें वो दान कर सकते हैं और ये पेट कमिज का फैसला है उन्होंने दान करने का फैसला लिया है हालांकि जो भी फैसला हो और ये भारत की कोविड से लड़ाई लड़ने में जरूर मदद करेगा और ये छोटे छोटे जो फंड्स होते हैं ये एक बड़े मंच पर जाकर काफ़ी मदद करते हैं तो एक अच्छा फैसला और इसके अलावा भी जो बाकी खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं वो अपनी तरफ से पूरा योगदान दे रहे हैं तो इसके बाद मैं आपको बता दूं आईपीएल से ही जुड़ी एक खबर और आईपीएल को लेकर आपको पता है कि कोविड की वजह से कितना टेंशन चल रहा है पहले खबर आई थी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे में केसेस मिले हैं फिर चेन्नई के बारे में पता चला हालांकि चेन्नई के बारे में ये था कि संडे को उनके पॉजिटिव केस आए थे लेकिन बाद में मंडे को नेगेटिव आए दिल्ली के जो फिर जो अरुण जेटली स्टेडियम है वहाँ पे ग्राउंड्समैन के पॉजिटिव होने की भी खबर आई तो इसको लेकर अपडेट ये है कि क्रिक एंड की एक खबर आई है और उसके हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि जो आई के बचे हुए मैचेस हैं या आई के जो शिफ्ट होने की आशंका है वो मुंबई में बढ़ गई है क्योंकि बीसीसीआई बात कर रही है मुंबई में क्या इसका आयोजन किया जा सकता है क्योंकि आपको पता है कि मुंबई में तीन ग्राउंड है वानखेड़े है डीवाई पाटिल है और उसके अलावा बेब्रॉन स्टेडियम है तो वहाँ पे मैचेस हो सकते हैं और एक जगह पे सभी खिलाड़ियों को रखना और बायो बबल बनाना वो कुछ आसान रहेगा क्योंकि जिस तरीके से अहमदाबाद में या फिर दिल्ली में दिक्कतें सामने आ रही है तो ये अपडेट है हालांकि इसकी वजह से आई पी थोड़ा सा असर पड़ सकता है ज़्यादा आपको डबल हेडर्स मैच देखने पड़ सकते हैं इसके बारे में अभी बीसीसीआई तैयारी कर रही है ये क्रिकेट फो के हवाले से हम आपको बता रहे हैं तो डबल हैडर्स भी बढ़ सकते हैं और फाइनल के डेट खिसकने की संभावना भी बताई जा रही है मई तीस मई को जो फाइनल होना है वो उम्मीद कर रहे हैं कि जून के पहले सप्ताह तक खिसक जाएगा और इसके बारे में जो भी अपडेट आएगी आपको स्पोर्ट्स तक पर ज़रूर पता चल जाएगी और इसके बाद जो मैं आपको बता दूँ ये खबर डेविड वार्नर से जुड़ी है डेविड वार्नर के बारे में टीम के जो क्रिकेट डायरेक्टर हैं एस के टॉम मूडी उनका बयान आया है उन्होंने बताया है कि जब वार्नर को बाहर किया गया टीम से तो उस समय वार्नर कैसा महसूस कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि वार्नर निराश थे और लाजमी है कोई खिलाड़ी टीम से बाहर होकर निराश नहीं होगा और वार्नर भी थे तो टॉम मोडी ने हालांकि जो उनकी टीम है एस उनके फैसले को सही बताया उन्होंने कहा कि एक समय पर जाकर हमें आ, कुछ कड़े फैसले लेने होते हैं और हमने वो फैसले लिए और हमें जरूरत थी राजस्थान के खिलाफ मैच में हमें टीम का एक संयोजन बनाना था तो उसके हिसाब से फैसले लिए गए तो डेविड वार्नर को ही लेकर डेल स्टेन ने भी एक बड़ा बयान दिया है डेल स्टेन का डेल स्टेन आपको बता दें कि इस फ्रेंचाइजी के साथ खेल चुके हैं और वो डेल समझते होंगे इस फ्रेंचाइजी को तो उन्होंने एक बयान दिया कि जो वार्नर है वो बंदरवाजे दरवाजे के पीछे कुछ हो रहा है उसकी वजह से उनके हाथ में जो पावर है इस टीम की वो ज़्यादा नहीं रही उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वार्नर इस टीम के सारे फैसले ले रहे हैं और बंद दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जो टीम मैनेजमेंट या जो भी बाकी चीज़ें हो रही है वो वार्नर के हाथ से बाहर है साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको वार्नर इस ऑरेंज आर्मी में आखिरी बार खेलते हुए दिखाई दे आपको बता दें कि अगले साल मेगा का ऑप्शन है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो टॉम मूडी के जिस तरीके से बयान दिया जा रहा है या फिर डेल स्टेन ने जिस तरीके का बयान दिया है कि डेल स्टेन का कहना है कि टीम नए कप्तान की ओर देख रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि वार्नर को रिलीज भी किया जा सकता है तो ये वार्नर को लेकर अपडेट थी उसके अलावा मैं आपको आईपीएल से हटकर वर्ल्ड क्रिकेट के बारे में अपडेट दूँ तो आईसीसी ने अपनी ताज़ा रैंकिंग जारी की है और उसमें भारत का जो रैंकिंग नंबर है वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन वनडे रैंकिंग में बताऊं तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो न्यूजीलैंड की टीम है और न्यूजीलैंड की टीम नंबर एक पर है इस समय मौजूदा वनडे रैंकिंग में और इंडियन टीम दूसरे नंबर पे है वनडे रैंकिंग में तीसरे नंबर पर माफ़ कीजिएगा वनडे रैंकिंग में और उसके अलावा मैं आपको टी की अपडेट बता दूँ तो टी में इंग्लैंड की टीम पहले नंबर पर है और भारत की टीम टी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है तो ये आई की जो हालिया रैंकिंग रिलीज हुई थी कल जारी हुई थी तो उसके हिसाब से मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ इसके बाद मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं रहमान और शाकिब अल हसन वो इस समय आईपीएल खेल रहे हैं शाकिब KKR के के की टीम के लिए खेल रहे हैं और रहमान राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं तो उम्मीद है कि वो जल्द ही आई से बांग्लादेश वापस लौट सकते हैं क्योंकि तेईस मई से इनकी सीरीज़ है श्रीलंका के खिलाफ और जिस तरीके से भारत में कोविड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए बांग्लादेश ने क्वारंटीन नियम कड़े कर दिए थे तो वो चौदह दिन का क्वारंटीन नियम होगा उसके लिए इनको जल्दी निकलना होगा हालांकि ये पहले उन्नीस मई के आसपास निकलने वाले थे लेकिन अब लगता है कि क्वारंटीन की वजह से ये पहले निकल सकते हैं तो राजस्थान की टीम का एक और विदेशी खिलाड़ी बाहर हो जाएगा तो आगे आईपीएल में उनकी दिक्कतें और बढ़ सकती है इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ मोहम्मद अजहुलद्दीन मोहम्मद अजहुरुद्दीन ने दुआ की है उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से प्रार्थना की उन्होंने एक ट्वीट किया कि आईपीएल अच्छे से सफल हो जाए और इसको बढ़ते कोविड के बीच में सब कुछ सही हो जाए तो ये अच्छी अच्छी चीज़ें निकल कर आ रही है हर क्रिकेट फैंस या फिर क्रिकेट से जुड़ा हर आदमी चाहता है कि यार अच्छे से आई हो जाए और अब ज़्यादा इस पर कोविड का असर ना पड़े इसके अलावा मैं आपको एक श्रीलंका के क्रिकेटर तिशारा परेरा उनसे जुड़ी अपडेट देता हूं और ख़बर ये है कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है और उन्होंने अपना एक रिटायरमेंट जो पत्र है वो सौंप दिया श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को हालांकि ये है कि वो आपको दुनिया भर के तमाम टी ट्वेंटी लीग्स में खेलते हुए दिखाई देंगे वो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से ही संन्यास ले रहे हैं तो शारा परेरा को हमने आई में भी खेलते हुए देखा है अच्छे ऑलराउंडर हैं वो श्रीलंका के तो उम्मीद करते हैं कि उनका जो आने वाला करियर होगा इंटरनेशनल क्रिकेट से अलग उसमें भी वो इसी तरीके से सफल रहे तो फ्रेंड्स जो ये अगली खबर है वो भी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई है और ऑस्ट्रेलियन सरकार ने आपको पता है कि भारत से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दिया था जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि जो भारत में हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं आई पे या फिर जो भी उस आई का हिस्सा है वो अपने आने का इंतजाम खुद करे तो उसको लेकर माइकल स्लेटर हैं जो ऑस्ट्रेलियन पूर्व ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी भी हैं और अब मौजूदा कमेंटेटर हैं वो आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने कहा है कि हमें आपकी तरफ से ही परमिशन मिली थी आईपीएल में आने की और आप इस तरीके से हमारे साथ नहीं कर सकते ये गलत है और आपको अपने नागरिक का ध्यान रखना चाहिए तो उन्होंने एक तरीके से ऑस्ट्रेलियन सरकार की आलोचना की है उन्होंने कहा है कि ये जिम्मेदारी बनती थी ऑस्ट्रेलियन सरकार की तो दोस्तों आज के मॉर्निंग अपडेट में इतना ही और क्रिकेट से जुड़ी बाकी खेल से जुड़ी आपको सारी खबरें स्पोर्ट्स तक पे मिलती रहेगी आज आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा कि आईपीएल किस और बढ़ रहा है और आईपीएल से जुड़ी जो भी बड़ी बड़ी खबरें आएगी वो सब आपको यही मिलेगी तो जिस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी होता है और नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइएगा क्योंकि देखिए जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है जो भी अपडेट आती है अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप नोटिफिकेशन की घंटी नहीं दबाएंगे तो आपको वो खबर इंस्टेंट पता नहीं चलेगी लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले आप जानेंगे कि इस समय खेल क्रिकेट खेल जगत में हो क्या रहा है आईपीएल से जुड़ी खबरें क्या हो रही है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कुछ तो लगाओ उसकी अरे दूसरा हाउस पे बनाओ यूवी से बेटर टीम क्या कर रहा है तेरी टीम चेक कर रहा हूं रहा और जीतो पांच गुना रिवॉर्ड <laughs> तो बेटा, फाइनेंशियल रिस्क मे बी एडिक्टिव प्लीज भी रिस्पॉन्सिबिली एट योर ओन रिस्क